नमस्ते फ्रेंड्स, केम छो? मजा मां। तो जैसे कि हमें पता है कि रक्षाबंधन बस नज़दीक ही आ गई है, आने ही वाली है, तो भाई को खिलाने के लिए या खुद खाने के लिए हमें कुछ मिठाई की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये चॉकलेट के लड्डू, ये इतनी बढ़िया मिठाई है जो झटपट बन भी जाती है, और राखी के दिन भैया को खिलाओगे तो कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये मिठाई मैंने कैसी बनाई है ना, ये जानने के लिए आपको आखिर तक बने रहना होगा फ्रेंड्स। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और कुछ चीज़ों से ही बन जाती है। तो ये 5 चीज़ों से बनने वाले ये लड्डू आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और खिलाने वालों को भी ये बहुत पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने कैसे बनाए ये जानने के लिए आपको आखिर तक बने रहना होगा फ्रेंड्स। मगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिक्सर जार लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिए हैं मैंने मेरी गोल्ड बिस्किट। आप चाहो तो आपकी पसंद के कोई भी बिस्किट्स ले सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं 12 से 14 बिस्किट्स को टुकड़े करके मिक्सर जार में ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स। अब हम इस बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे ली है 100 ग्राम चॉकलेट। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है फ्रेंड्स, आप चाहो तो मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हो, या रियल चॉकलेट आती है वो भी ले सकते हो। अब इसे 15-15 सेकंड्स के लिए ना मैंने मेल्ट कर लिया है, मतलब टोटल 30 सेकेंड मेल्ट करने में गए हैं फ्रेंड्स मेरे। आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने काजू ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, तो काजू ना इस चॉकलेट के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं बादाम भी ऐड करूँगा, बट फिलहाल मैंने ये काजू ऐड किए हैं। अब मैं इसके अंदर बिस्किट का जो पाउडर मैंने किया था वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी चॉकलेट अंदर से सॉफ्ट बने, यानी कि इसकी जो ये बिस्किट वाली फिलिंग है वो खाने में लास्ट में सॉफ्ट लगे, तो आप ना चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त इसके अंदर ना 1/4 कप जितना दूध ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बट मुझे ना अपनी फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फाइनल जो चॉकलेट होगी वो अंदर से और उसका कवर दोनों ही कड़क चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर दूध ऐड नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इन चीज़ों को ना अच्छे से हाथ धोने के बाद ही इसे मिक्स कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो कोई कमेंट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धो के ये मिक्स कर लिया है सब कुछ, और अब मैं इसके बॉल्स बना रहा हूं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैंने सारे के सारे बॉल्स बना के रेडी कर दिए हैं। तो 12 से 14 बिस्किट के अंदर ना हमारे ये 7 बॉल्स बनके लड्डू बनके रेडी हुए हैं। तो अब इनको मैं 2 से 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में, मतलब डीप फ्रीज़र में जहाँ पे आइस जमाते हैं ना, वहाँ पे मैं रख दूँगा। तब तक यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 100 ग्राम जितनी वाइट चॉकलेट कंपाउंड ली है, अब चाहो तो वाइट रियल चॉकलेट भी ले सकते हो। अब उसे भी मैंने 15-15 सेकेंड्स के अंतर में 30 सेकेंड के लिए मेल्ट कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बादाम। तो बादाम को मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो खास बात फ्रेंड्स, जो ये हमने बॉल्स जमाने के लिए रखे थे फ्रिज में, उसे हमें डीप फ्रीजर में ही रखना है, आइस वाले बॉक्स में, ताकि हम इसे ना ये वाइट चॉकलेट में डीप कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो ये वाइट चॉकलेट गर्म होती है तो हमारा जो ये बॉल्स हैं वो मेल्ट ना हो जाए। इसके लिए हमें डीप फ्रीज़र में ही, यानी कि जहाँ पे हम आइस जमाते हैं वहीं हमें रखना है 2 से 5 मिनट के लिए। तो अब मैं इसे सारे के सारे बॉल्स को ना ये वाइट चॉकलेट का जो हमने मिक्सर रेडी किया है उसमें कोट कर लूँगा, और उसे ये जो हमने ट्रे रखी है जिसमें बटर पेपर लगाया है उसी में रख दूँगा फ्रेंड्स। और जब हमारे सारे के सारे बॉल्स कोट हो जाए तो उसे वापस से 2 से 5 मिनट के लिए नॉर्मल फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए रख दूंगा। अब ये जो हमारी व्हाइट चॉकलेट बची है उससे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे फ्रेंड्स। अब मैं इसे ना ये हमने जो चॉकलेट बॉल्स बनाए हैं ना उसके अंदर पोर कर दूंगा, उसके ऊपर पोर कर दूंगा फ्रेंड्स, सॉरी। तो ये वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना हम सारे के सारे बॉल्स के ऊपर ना ये जो हमारी व्हाइट चॉकलेट का मिक्सर बचा था ना उसे रख दूंगा फ्रेंड्स, मतलब पोर कर दूंगा।
तो बस हमारे सारे लड्डू रेडी हैं। अब हमें इसे लास्ट बार फ्रिज में 2 से 5 मिनट के लिए रखना होगा जमने के लिए। और हमारे ये क्यूट से लड्डू यानी कि चॉकलेट लड्डू बन के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये चॉकलेट लड्डू अपने भाई को राखी के दिन खिलाओगे तो आपका भाई थोड़े से पैसे ज़्यादा ही दे देगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे बढ़िया से लड्डू और एकदम टेस्टी लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो इस राखी ये वाली लड्डू की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका भाई भी खुश हो जाएगा और आप भी इसे खाकर खुश हो जाओगे। तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कट करने में कड़क है अंदर से। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ये अंदर से सॉफ्ट चाहिए, तो आप ना चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त, ये डार्क वाली चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त इसके अंदर 1/4 कप दूध डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। तो हमारे ये बढ़िया से चॉकलेट लड्डू रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।